वैदिक ज्योतिष के मुताबिक शनिदेव ने 17 जनवरी को कुंभ राशि में गोचर कर लिया है, जिससे शनिदेव का पुनर्जन्म हो गया है। वहीं कुंभ विषम राशि है और यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि शनिदेव अपनी गोचर कुंडली में किस पाय पर गति कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो वो सभी राशियों के लिए सोने, तांबा, चांदी और लोहे के पाय पर भ्रमण करते हैं, जिससे चांदी और तांबे के पाय पर शनिदेव बेहद शुभ फल प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं ये राशियां कौन सी हैं जिनकी गोचर कुंडली में शनिदेव तांबे के पाय पर चलेंगे। धनु राशि। आपकी राशि से शनिदेव का गोचर चांदी के पाय पर हुआ है, क्योंकि शनिदेव गोचर कुंडली में तीसरे भाव में भ्रमण कर रहे हैं। साथ ही आपको साढ़े साधी से मुक्ति मिल गई है। वहीं आपकी राशि के स्वामी गुरु ग्रह हंस नाम के राजयोग बनाकर विराजमान है। वहीं शनिदेव तांबे के पाय पर चल रहे हैं और तीसरा भाव पराक्रम भाव है, इसीलिए इस समय आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही इस समय आपको मेहनत का फल प्राप्त होगा, विदेशों से धन की प्राप्ति होगी, वहीं कार्य में सिद्धि होगी, साथ ही धन दौलत में बढ़ोतरी होगी। वहीं इस समय आप कोई वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने की सोच सकते हैं। साथ ही जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सिंह राशि। आपकी राशि से शनिदेव सप्तम भाव में भ्रमण करेंगे, इसीलिए शनिदेव का गोचर तांबे के पाय पर हुआ है। वहीं आपकी गोचर कुंडली में शश नाम का राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। इस समय आपको जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वहीं अगर आपका व्यापार विदेश से जुड़ा हुआ है तो अच्छा धन लाभ हो सकता है, साथ ही पार्टनरशिप के काम में अच्छा धन लाभ हो सकता है। इस अवधि में जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। पुराने निवेश से भी धन लाभ होने के आसार हैं। वृष राशि। आपकी राशि से शनि देव का गोचर तांबे के पाय पर हुआ है, क्योंकि शनि देव आपकी गोचर कुंडली के दशम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, जिससे शश नाम का राजयोग बन रहा है। वहीं शनि देव दशम स्थान में बलवान भी हो जाते हैं, मतलब शुभ और पूर्ण फल प्रदान करते हैं, इसीलिए आप लोगों को काम और कारोबार में जबरदस्त सफलता मिल सकती है। साथ ही आकस्मिक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं, अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। वहीं मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही जो लोग व्यापार करते हैं उनके व्यापार का विस्तार हो सकता है। वहीं जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके प्रमोशन और इंक्रीमेंट की बात चल सकती है। ज्योतिष की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।